एक और क्वेश्चन कोरा का ले लेते हैं। ओनकार सिंह जी ने पूछा है, ये डेट है 6 अक्टूबर 2 AM। इस समय मुझको ईमेल आया है कोरा से। जब भी क्वेश्चन रेज होता है तो मुझको एक ईमेल आता है, ठीक है। तो कोरा के पोर्टल में भी कभी कभी मैं देख करके वहाँ जवाब दे देता हूँ, पर ये मैं इनबॉक्स ओपन करके चेक कर रहा हूँ क्या क्वेश्चंस आए हैं, तो उसके बेस पे मैं कुछ सवालों को ले रहा हूँ और उनके आंसर दे रहा हूँ बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, ठीक है। मेरा नाम दीपक त्रिपाठी है, मुझे 15 सालों का एचआर इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस आई गिव इनपुट्स एंड आई सपोर्ट द कोरा कम्युनिटी बाय माय इनपुट्स, ओके। सो अभी तक मैंने सोफा 300 से ज़्यादा क्वेश्चन के जवाब कोरा के अंदर दे दिए हैं, ठीक है। और कई बार टाइम अलाउ नहीं करता है मैं टाइप डाउन करूँ आंसर, तो कभी कभी मैं ऑनलाइन लाइक सॉरी वीडियो बना करके भी कोरा के क्वेश्चंस के आंसर दे देता हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, आई एम ओमकार सिंह जी ने पूछा है, आई एम द वन पर्सन फॉर द अर्निंग, आई एम स्टिल वर्किंग इन US स्टाफिंग, बट फॉर रिसेशन टाइम आई एम जॉबलेस, व्हाट शुड आई डू, ठीक है। तो उनका क्वेश्चन है, बहुत ही दुखद है एंड बहुत ही सैड कंडीशन है कि उन्होंने लिखा है कि वो खुद ही घर में कमाने वाले हैं और अभी वो आई एम स्टिल वर्किंग इन US स्टाफिंग। तो इस उन्होंने लिखा अभी भी वो US स्टाफिंग में काम कर रहे हैं, बट फॉर रिसेशन टाइम आई एम जॉबलेस। सो कुछ मुझे लग रहा है कि उनका या तो सैलरी रुक गई है या किसी भी रीज़न से, उन्होंने एक मेंशन ये भी लिखा है, मैं US स्टाफिंग में भी काम कर रहा हूँ पर मैं जॉबलेस भी हूँ। तो एकदम क्लैरिटी नहीं है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उन्होंने कहीं ना कहीं लिखने में कुछ गलती करी है, पर वो जॉबलेस स्पेसिफिकली लिखा है, तो मैं ये मानता हूँ कि वो अभी जॉबलेस हैं। वो कंसिडर करते हुए मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो काम भी कर रहे हैं, वो जॉबलेस है तो वो क्लियर नहीं है, ठीक है। लेकिन ईमेल आया तो आई गेस सो कि यही होगा इसका मतलब, ठीक है। व्हाट शुड आई डू, इन्होंने मेंशन किया, तो उनको क्या करना चाहिए। एक्चुअली देखिए, वो खुद ही स्टाफिंग में हैं ओनकार जी, आप खुद ही स्टाफिंग में हैं, तो पहले तो आपको अपनी स्किल और एक्सपीरियंस का यूज़ करना चाहिए। आप फॉर एग्जांपल काफ़ी लोगों को प्लेस करते हैं, तो आपको रिक्रूटमेंट की समझ होगी, राइट। उस आपको कंपनी की समझ होगी, कंपनी क्या रिक्वायरमेंट होते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन की समझ होगी, हायरिंग की समझ होगी, क्या कंपनी को चाहिए होता है इन द कैंडिडेट, वो सब समझ होगी। तो अपनी स्किल का खुद पे यूज़ कीजिए पहले तो, ठीक है। और अब भी स्टार्ट कर दीजिए एक्शन लेना, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं लाइक इसके लिए तो, और मैं लिंक्डइन पे ऑनलाइन भी रहता हूँ मंडे टू फ्राइडे 12 o'clock को। तो किसी को भी जॉब रिलेटेड क्वेरीज है, इंटरव्यू रिलेटेड क्वेरीज या कोई भी क्वेरीज है, तो वो मुझको लिंक्डइन में कांटेक्ट कर सकता है। मेरा लिंक्डइन का URL मैं आपको ऐसा होगा तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में से लिंक्डइन का URL से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर कांटेक्ट डायरेक्ट करेंगे तो कई बार बिजी रहूँगा तो जवाब नहीं दे पाऊँगा, लेकिन आप मुझको फॉलो कर सकते हैं। उससे फ़ायदा क्या होगा, जब भी मैं लाइव रहूँगा आपको दिखूँगा, तो आप वहाँ भी सवाल पूछ सकते हैं, चाहे आप या कोई भी जो भी स्ट्रगल कर रहा है जॉब के लिए। इन्हें क्या करना चाहिए, पहले तो रिज्यूम अपडेट करना चाहिए, जॉब पोर्टल्स में रिज्यूम डालना चाहिए और अप्लाई करना स्टार्ट कर देना चाहिए कंपनीज में, और एक और लिंक्डइन के अंदर प्रोफाइल अपडेट कर देनी चाहिए ओपन फॉर जॉब करके। और उसके बाद लिंक्डइन में भी बहुत सारे रिक्रूटर और HR अवेलेबल होते हैं जो अच्छे कैंडिडेट्स की तलाश करते हैं, और US स्टाफिंग इज़ नॉट नॉर्मल टू गेट, ओके। तो US स्टाफिंग से रिलेटेड आपका रोल है तो अच्छा रोल है, एक आपके पास स्किल है जो हर किसी के पास नहीं होती है, तो आप अपने स्किल बेस्ड कंपनीज को अप्रोच कीजिए, HR को अप्रोच कीजिए, डेफिनेटली आपको जल्दी जल्दी जॉब मिल जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिक टिप्स हैं, और लिंक्डइन लाइव में भी जुड़ सकते हैं मुझसे, और अगर उधर भी पूछेंगे तो मैं भी आपकी प्रोफाइल और सारी डिटेल दे करके और भी ट्राई करूँगा। हाफ एन आवर में मंडे टू फ्राइडे 12 o'clock को अवेलेबल रहता हूँ फ्री, ओके। सो वो जॉब स्ट्रगलिंग जॉब सीकर्स के लिए कम्प्लीटली फ्री है, ऑनलाइन ऑडियो इवेंट होती है और वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स आते हैं, अपना सवाल रखते हैं, मैं उनका जवाब देता हूँ, और अगर वो एक्शन लेते हैं तो डेफिनेटली उनको हेल्प रहेगा। इससे जुड़ी हुई एक बात मैं बता दूँ कि कुछ दिन पहले एक कैंडिडेट आए थे,
जो कई समय से जॉब ढूंढ रहे थे, और उनको मैंने, वो ऑनलाइन आए थे, मैंने उनको टिप्स दी थी, 5 टिप्स दी थी, उसमें से एक टिप उन्होंने बहुत अच्छे से अप्लाई करी और वो वर्क कर गई और उनको MNC कंपनी में जॉब मिल गया। और उसके बाद कुछ समय बाद वो लाइव आए और उन्होंने वो बात रिमाइंड कराई, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट से बात करता हूँ तो मुझे याद नहीं थी, पर उन्होंने याद कराया और बताया कि ऐसे ऐसे मुझे जॉब मिला है आपके टिप्स की मदद से। तो वो थैंकिंग करने के लिए सिर्फ सेशन में जुड़े थे, वो लाइव सेशन में, तो मेरे को भी बहुत खुशी हुई कि सेशन कहीं ना कहीं किसी न किसी को लाभ कर रहा है। ठीक है, तो आप भी आइए या कोई और भी है तो रिफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो ओंकार जी जल्दी जल्दी आपको जॉब मिल जाएगी, आई होप सो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।